हाँ जी बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? क्या कर रहे हो आजकल? पढ़ाई कर रहे हो घर पे? कर रहे हो? बहुत अच्छे बच्चे हो फिर तो। और बताओ, होमवर्क भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? होमवर्क भी कर रहे हो? कर रहे हो होमवर्क? आपको पता है हमने पिछली कक्षा में क्या किया था? पता है सब बच्चों को हमने पिछली कक्षा में क्या किया था? हमने किया था वर्ग और वर्गमूल, है ना? और मैंने आपको घर से काम करने को भी दिया था, याद है आपको? मैंने आपको काम दिया था घर से करने को, कि 80 से 400 के बीच की पूर्ण संख्याएं ज्ञात करो। यही होमवर्क दिया था ना मैंने आपको? किया है सब बच्चों ने? किया है सब बच्चों ने होमवर्क? सब बच्चों ने किया है होमवर्क? फिर उत्तर मिलाए, उत्तर मिलाए बच्चों। चलो देखो, पेज खोलो फटाफट जहां पे आपने किया हुआ है काम, फटाफट खोलो। किस किस बच्चे ने किया है काम, फटाफट हाथ खड़ा करे वो बच्चा। जिस जिस बच्चे ने काम किया है वो बच्चा हाथ खड़ा करे। जिस जिसने नहीं किया, वो उसने क्यों नहीं किया ये बताया पहले तो। वो अच्छे बच्चे नहीं बनना चाहते? देखो कितने अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने किया है काम। तालियां बजाओ इन बच्चों के लिए, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं ये। चलो देखो, देखो जिसने नहीं किया वो देखो बोर्ड पे। अब बातें ना करो, इधर देखो। 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 159, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 279, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361। ये जो संख्याएं हैं, ये जो सारी संख्याएं हैं ना हमारी, ये देख रहे हैं सारे बच्चे, ये जो पीले कलर से मैं दिखा रही हूं करके, ये जो है ये मेरी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जो वर्ग आता है ये होती है पूर्ण संख्याएं। आया बच्चों को समझ में? सारे बच्चों को समझ में आया कैसे करना है? ये होती है मेरी पूर्ण संख्याएं। ठीक है? और हमने क्या कहा था लास्ट क्लास में, हम क्या करेंगे इसके नियम, नियम पढ़ेंगे इसके। ठीक है? पहला नियम लिखो बच्चों, पहला नियम लिखेंगे सारे बच्चे। वह प्राकृतिक संख्याएं, वह प्राकृतिक संख्याएं जिसका इकाई का अंक, जिसका इकाई का अंक 2, 3,
सात और आठ होता है वे कभी भी पूर्ण संख्याएं नहीं बन सकती। लिखो सारे बच्चे। वह प्राकृतिक संख्याएं जिसका इकाई का अंक दो, तीन, सात और आठ होता है, वे कभी भी पूर्ण संख्या नहीं बन सकती। लिख लिया? इसमें सारे बच्चे इस बात पे ध्यान देंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पता है? और इकाई का अंक क्या होता है, पता है सब बच्चों को? नहीं पता? नहीं पता किसी बच्चे को? चलो देखो, मैं बताती हूँ। पहले देखो, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो हमारी गिनती होती है ना, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो हमारी गिनती होती है ना, जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, चलती रहती है ये गिनती, ठीक है? ये मेरी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है? और इकाई का अंक देखो क्या होता है। देखो, कोई भी संख्या लिखी मैंने, जैसे देखो 6, 7, 8, 9, 5, 6, ये लिखा मैंने 6,78,956, है ना? तो इसमें 6 क्या है मेरा, जो पहला अंक शुरू करते हैं, पता है ना, पीछे से करना शुरू करते हैं, तो पहला अंक मेरा होता है इकाई का, दूसरा होता है ढाई का, तीसरा होता है सैकड़े, चौथा होता है हजार, ठीक है? सातवां फिर 10,000, छः कौन सा होएगा, लाख, फिर ऐसे ही आगे 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे आगे चलता रहता है, ठीक है? ठीक है, एक छोटी सी बात हमने ध्यान में रखनी है इकाई के अंक में, कि जो हमारी संख्या का अंतिम अक्षर होता है ना, अंतिम संख्या होती है, वो हमारा इकाई का अंक होता है, ठीक है? ज्यादा हमारे दिमाग पे सोचने की जरूरत नहीं है हमें। जैसे देखो, अगर हमने ये चेक करना है कि 68 जो है ये हमारी पूर्ण संख्या है या नहीं, तो हम सिर्फ इसका अंतिम अक्षर चेक करेंगे, आठ। तो आठ जो है, किसी मैंने लिखवाया आपको, सारे बच्चे देखे अपनी अपनी कॉपी पे, मैंने लिखवाया क्या है, अभी 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 हम मैंने लिखवाया है आपको कि अगर किसी भी संख्या के अंत में दो, तीन, सात, आठ होता है, तो वो पूर्ण संख्या नहीं होती। यहाँ पर मेरा जो आठ है, आठ है ना, ये देखो जो मैंने अंक लिखा, ये आठ है, आठ है ना? तो आठ हम क्या लिखेंगे, अगर आपसे कोई पूछे 68 जो है आपकी पूर्ण संख्या है या नहीं है, आप कहोगे, लिखो उत्तर, क्या कहोगे? नहीं है। वो कहेगा आपको, बताओ कारण, बताओ कारण, बताओ भाई क्यों नहीं है ये, पता है मेरे बच्चों को कारण? किस किस को पता है, लिखो चलो अपनी कॉपी पे, फिर मैं उत्तर बताऊंगी। चलो लिखो, लिखो बच्चों,
बताऊं? लिख लिया? किस किसने लिख लिया? हाथ खड़े करो। हाथ खड़े करो बच्चों। वेरी गुड। चलो मिलाओ अब, क्योंकि जिस संख्या के अंत में दो, तीन, सात और आठ होता है, वह पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है ना? वह पूर्ण संख्या नहीं होती। यहां पर अंत में का मतलब पता है ना? अंत में मतलब इकाई के स्थान पर आठ है, इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ गया बच्चों को? समझ में आ गया? चलो अब आप बताओ मुझे, आप बताओ, 47, 47 पूर्ण संख्या है या नहीं है? 47 एक पूर्ण संख्या है या नहीं है? सारे बच्चे बताओ और अपने उत्तर में, अपनी पुस्तिका में उत्तर भी लिखो, कारण के सहित लिखो उत्तर, कारण सहित उत्तर लिखो कि 68 जो, 47 जो है वो पूर्ण संख्या है या नहीं है। देखती हूँ मैं कौन कौन बच्चा मुझे सही उत्तर देगा, कौन कौन बच्चा मुझे सही जवाब देगा। सबसे अच्छा बच्चा, उसके लिए तालियां बजाई जाएंगी। सबसे पहले हाथ खड़ा करो, किसने कर लिया? हाँ, लिखो लिखो फटाफट करो हाथ खड़ा। सबसे अच्छा बच्चा देखते हैं कौन है, पहले देखो भाई सबसे अच्छा बच्चा कौन है, कौन सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा? मेरे अच्छे बच्चे कहाँ गए? करो करो हाथ खड़ा करो फटाफट, हाथ खड़ा करो फटाफट। अच्छे बच्चे हो ना सारे, हाथ खड़े करो फटाफट। फिर सारे बच्चे हाथ खड़ा करेंगे जिस जिसने कर लिया। कर लिया सबने? लिख लिया? चलो फिर उत्तर बताओ मुझे सब, सारे बच्चे। चलो बताओ, है कि नहीं है? नहीं है। जिस जिस बच्चे ने लिखा है नहीं है, वो बहुत ही होशियार बच्चे हैं। इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं कि पूछो ही ना, एक बारी में समझ आ गया। वेरी गुड। जिसे नहीं समझ में आया उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं समझाऊंगी। देखो क्यों नहीं है? इकाई का अंक क्या है? हमने सिर्फ इकाई का अंक याद देखना है, लास्ट वाला अक्षर देखना है, अंतिम वाला क्या है? सात। ये मेरा होता है इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक क्या है? सारे बच्चे लिखो कारण। क्योंकि क्योंकि 47 में
क्योंकि 47 में इकाई के स्थान पर 7 है, क्योंकि 47 में इकाई के स्थान पर 7 है, इसलिए 47 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, आ रहा है ना सबको समझ में? अब ये तो हम छोटे छोटे अक्षर देख रहे थे, ऐसे ही मान लो अगर बड़ा अक्षर हो तो क्या करेंगे, तो सोचने की जरूरत है। अगर मान लो ये अक्षर आ जाए, ये संख्या आ जाए हमें, तो हम यहाँ पे भी सेम चीज चेक करेंगे, बिल्कुल पिछले वाले की तरह। इकाई का अंक क्या है, क्या है सब बच्चे देखेंगे? इकाई का अंक 3। इकाई का अंक क्या है? 3। तो ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? पूर्ण संख्या है ये? नहीं है ना, तो सीधा लिख देंगे नहीं है। और वही कारण कारण सब बच्चे वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, देखो जैसे मैंने ऊपर यहाँ कारण लिखवाया था ना, बस यहाँ पर अंत में ही लिखवाया था ऊपर इकाई के स्थान पर। जैसे यहाँ लिखवाया था 8 है, तो यहाँ पर बस अपना आप चेंज कर दो, 3 है बस, बाकी सारा वैसे चलेगा कारण। ठीक है, बस तुमने यहाँ पर एक अक्षर चेंज करना है, बस 8 की जगह जो तुम्हारा अंतिम वर्ड होएगा, जो तुम्हारी अंतिम संख्या होगी ना, जैसे यहाँ पर अंतिम संख्या 3 है, तो सारा कुछ ऊपर जैसे, बस 8 की जगह क्या लिख दोगे? 3 है। आ रहा है समझ में? चलूं आगे, लिख लिया सब बच्चों ने? हाथ खड़े करो जिसने लिख लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो रजे, सारे बच्चे, सारे लड़के, सारे लड़कियां बहुत ही अच्छे हैं। चलो देखो, चलो देखो देखो, देखो अगला लिखो नियम, दूसरा नियम। अगर अगर कोई भी संख्या अगर कोई भी संख्या के अंत में शून्यों की मात्रा, शून्यों का मतलब पता है ना, जीरो, जीरो की मात्रा विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। लिखो यह नियम, लिख लिया सब बच्चों ने? यह नियम लिख लिया सब बच्चों ने? सोच, लिख लिया? अगर किसी संख्या के अंत में शून्य, हमने यहाँ पर एक दो बातें ध्यान रखनी है, शून्यों की मात्रा विषम हो, बस। विषम संख्या हमने पिछली कक्षा में किया था ना, विषम, जब हमने घातांक और घात पढ़ा था, विषम संख्या क्या होती है? कौन बताएगा बच्चा? पता है सब बच्चों को विषम संख्या क्या होती है? मुझे तो नहीं लगता पता है। विषम संख्या होती है जो किसी भी, जो दो के पहाड़े पर नहीं जाती, जो दो के पहाड़े पर नहीं जाती, जैसे 13, 17, 19, 23, 27।
ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 लिखना है तो लिख लो। विषम संख्याएं क्या होती हैं? दोबारा से, विषम संख्याएं वे संख्याएं हैं, विषम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 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 दो के पहाड़े से विभाजित नहीं होती। ठीक है, जो दो के पहाड़े से विभाजित नहीं होती। ठीक है बच्चों, आया बात समझ में? आ गई? चलो देखो, जैसे उदाहरण लिखो। देखो जैसे मान लो ये संख्या दी हुई है, यहां पर आपने जीरो कितनी है, जीरो गिनो कितनी है, जीरो की मात्रा 1 0, 2 0 और 3 0 कितनी होगी? कितनी जीरो है? 3। 3 क्या है मेरी? विषम संख्या। ठीक है, हम देखेंगे कि जीरो कितनी है, जीरो कितनी है, जो पता चला मुझे कितनी है, 3। कितनी है जीरो? 3, जो क्या है, एक विषम संख्या। तो जो विषम संख्या होती है वो क्या होती है बताओ बच्चों? अगर किसी भी संख्या के अंत में शून्य जो है, जीरो जो है, वो विषम है, जैसे 3 है, 3 विषम है, तो वो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, तो हजार जो है, हजार पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस संख्या के अंत में शून्यों की मात्रा, लिखो सारे बच्चे, क्योंकि कारण लिखो, क्योंकि इस संख्या के अंत में शून्यों की मात्रा विषम है, क्योंकि इस संख्या के अंत में शून्यों की मात्रा विषम है। ठीक है बच्चों, आया बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो देखो, आगे देखो। मान लो अगर ये है, चलो थोड़े से हम एग्जाम्पल करते हैं, उदाहरण करते हैं थोड़े से। बताओ मुझे, ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं या नहीं है? चलो बताओ सारे बच्चे, सारे बच्चे पहले उतार लो कॉपी में अपनी अपनी, ठीक है ना? सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी में उतार लो पहले। उतार लो सारे बच्चे। हम सिर्फ बताएंगे, हाँ ऊपर लिख लो, हाँ ठीक है, सारे बच्चे लिख लो, हाँ हाँ और नहीं, हाँ और नहीं। हम सिर्फ एक एक टिक मारेंगे, अगर हाँ है तो हाँ के नीचे, नहीं है तो
नहीं के नीचे। ठीक है बच्चों, सारे बच्चे मेरे साथ हैं? सारे बच्चे हैं मेरे साथ? सारे बच्चे बोर्ड पे देख रहे हैं? कोई इधर उधर नहीं देख रहा ना? चलो देखो फिर, इधर देखो बच्चों, देखो इधर। पहले हम क्या है, पहले हमारी क्या है संख्या? हजार, 10,000। अगर लास्ट में अंत में शून्य होती है तो हम क्या करते हैं, शून्य गिनते हैं, है ना? शून्य गिनो कितने हैं, एक दो तीन चार। कितने शून्य हैं? चार। चार तो दो के पहाड़े पे चला जाता है ना? चार हमारा दो के पहाड़े पे चला जाता है। दो दूनी चार, तो कौन सी संख्या होगी? सम संख्या, विषम तो है नहीं। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। आ गया समझ में सब बच्चों को? दोबारा से बताऊं, हमने जीरो है काउंट करनी है, गिननी है जीरो है, कितनी है, एक दो तीन चार। सबने गिनी है अपनी कॉपियों पर? चार है ना जीरो है, जो क्या है, एक सम संख्या। सम संख्या है ना? अगर मैंने बताया था कि शून्यों की मात्रा विषम हो तो वो पूर्ण संख्या नहीं होती। यहाँ तो शून्यों की मात्रा सम है तो वो पूर्ण संख्या है। इसका मतलब वो पूर्ण संख्या है। चले आगे, तुम्हें मतलब समझ में आ रहा है ना पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है जिसका वर्ग होता है, जो कि संख्या का वर्ग होता है। जैसे चार का वर्ग 16, तो 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। आ गया ना समझ में कि नहीं आ रहा? बता दो मुझे, अभी भी बताओ बच्चों। आ रहा है समझ में? सब बच्चों को आ रहा है? चलो चलो देखो, चलो अगला आ जाओ। 97, 97 में सात क्या है हमारा? सात, वही वाले अक्षर है चार जो मैंने लिखवाए हैं। कौन कौन से चार होते हैं? अगर इकाई के अंक में क्या हो, दो तीन सात और आठ हो, तो यहाँ पर क्या है बच्चों? सात है ना? यहाँ पर क्या है? सात। सात है तो क्या होएगा? यहाँ सात है ना? सात है तो क्या होएगा? सात है तो क्या होएगा बच्चों? बताओ ना, मैं देख रही हूँ, जवाब नहीं देते रजे आप। बताओ बताओ फटाफट, कौन बताएगा? बताओ, सात है तो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? सारे बच्चों ने लिख लिया उत्तर? लिखो पहले, दोनों में से बताओ हाँ या नहीं पे मारो टिक। हाथ खड़े करो वो बच्चे जिसने हाँ पे टिक मारा है, नीचे कर लो हाथ। अब वो बच्चे हाथ खड़े करो जिसने ना पे टिक मारा है, नहीं पे टिक मारा है। ये सबसे अच्छे बच्चे हैं, तालियां बजाओ इन बच्चों के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, गुड बॉय हैं ये तो मेरे। गुड बच्चे, गुड गर्ल्स और गुड बॉयज, वेरी गुड। चलो अब हम आएंगे दूसरे नंबर पे। हमने क्या देखा यहाँ पर? सात। ठीक है, यहाँ पे क्या है इकाई का अंक? तीन। क्या है इकाई का अंक? तीन। तो हमने लिखा था किसी भी संख्या के अंत में दो तीन, है ना, लिखा था ना, सात और आठ होता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो यहाँ पर क्या है मेरा? तीन, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है ना?
किस किसने नहीं बटिक मारा, हाथ खड़े करो। बहुत अच्छे बच्चे हो सब बच्चे, इधर ध्यान दो, बातें नहीं करनी। शोर आने लग गया बच्चों, प्लीज बातें नहीं करनी, कोई बच्चा नहीं बात करेगा। इधर ध्यान दो सारे, आगे बढ़ना है सब बच्चों ने कि पीछे रहना है? आगे बढ़ना है ना, देखो इधर, फिर बातें नहीं करनी बस, बाकी सब कुछ कर लो और शरारतें नहीं करनी। सिर्फ बोर्ड पे देखो, जिस बच्चे ने भी पढ़ना है वो बोर्ड पे देखो, ठीक है? ठीक है बच्चों, चलो देखो, चलो अगला नंबर पे आ जाओ। अगली संख्या 8462, 8462। आठ हजार 462। सब बच्चे अपने आप करो पहले, फिर हम डिस्कस करेंगे, फिर हम बताएंगे उत्तर। सारे बच्चे करो फटाफट पहले, फिर मैं बताती हूँ सब बच्चों को। करो बच्चों, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका बच्चों। करो करो फटाफट। चलो देखो, कर लिया सबने? किस किसने कर लिया? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो जिस किसने कर लिया। देखो कितने अच्छे बच्चे हैं ये। दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं अभी तक? जाग जो फटाफट से, करो 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 फटाफट। देखो बोर्ड पे जिसने नहीं किया, इकाई का अंक क्या है? सारे बच्चे बताओ जिसने किया है, क्या है इकाई का अंक? हाँ, दो। तो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कारण आपके पास है ही, किसी भी संख्या के अंत में दो, तीन, सात या आठ होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, है ना बच्चों? सही बोला ना मैंने? किस किसने ये लिखा था बताओ, बताओ बताओ। हाँ जी, खड़े करो हाथ, और बच्चे बताओ, बस इतने से? ओहो, दूसरे बच्चे भी करो ना, देखो ये कैसे कर रहे हैं, इनके साथ मिलकर करो। चल अगले वाला करें, चलो अगले वाला करते हैं, अगले वाला करते हैं बच्चों। अगले वाला है 1 लाख, जीरो वाला आ गया फिर से। चलो तुम करो पहले, देखती हूँ मैं तुम पहले क्या करते हो जीरो वाले में, कैसे कर रहे हैं पहले। करो करो, हाँ हाँ सही कर रहे हो, कई बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं। करो करो बच्चों, आता है मेरे बच्चों को, मुझे पता है बच्चों को आता है। बातें नहीं करनी, काम करना है। बातें नहीं करनी बच्चों, काम करो रजे, काम करो। चलो देखो, इधर देखो बच्चों, यहां पर हमारी सब बच्चों ने कर लिया, जिस जिसने कर लिया देखो उत्तर मिलाओ अपना यहां से, जिसने नहीं किया वो भी देखो ब्लैक बोर्ड पे, इधर देखो बोर्ड पे। जिसने कर लिया वो भी देखो, जिसने नहीं किया वो भी देखो। कितनी यहाँ पे देखो, कितनी शून्य है? एक, दो, तीन, चार, पांच। कितनी शून्य है? पांच। कितनी शून्य है? पांच। पांच सम संख्या है, विषम संख्या है? किसने कौन बताएगा? पांच सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम संख्या है ना?
विषम संख्या है। हाँ विषम। विषम संख्या है तो विषम संख्या होती है तो होता है पूर्ण वर्ग, होता है पूर्ण वर्ग नहीं होता ना। पांच मेरी विषम संख्या है क्योंकि पांच तो दो के पहाड़े में आता ही नहीं, ठीक है ना। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगला आ जाओ 64। अगला आ जाओ बच्चों 64। 64 का बताओ फटाफट बताओ। 64 का, 64 का बताओ। आपको याद है अभी हमने किया था 8 गुना 8, 8 गुना 8 64 होता है। तो 64 जो है मेरा 8 का पूर्ण वर्ग बन गया ना। 64 जो है 8 का पूर्ण वर्ग बन गया, ठीक है। तो ये मेरी पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? आ गया बच्चों को? चलो आगे देखते हैं हम। अगला नियम, देखो यहां पर हमने किया, देखो एक संख्या दी हुई है उसका इकाई का अंक चेक करना है। अगर इकाई का अंक क्या है, 2 3 7 8 है ना, तो ये मेरी क्या होता है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ये तो पक्का ही है कि पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। इसमें तो आपने देखना है, बस चेक करना है, क्या देखना है कि इकाई का अंक 2 3 7 8 है तो बस सीधा लिख दो पूर्ण वर्ग नहीं है, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आया? एक जो होता है, जो संख्याएं जिस संख्याओं का जिस संख्याओं के अंत में 0 1 4 5 6 9 ये हो, ठीक है। तो इसमें भी हमने आगे दो भागों में विभाजित कर दिया, एक 0 वाला, एक 1 4 5 6 और 9 वाला, ठीक है। 0 वाला में आगे आ गया शून्यों की संख्या विषम, तो पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर शून्य की संख्या सम, तो पूर्ण वर्ग है। यहां तक तो बिल्कुल आंखें बंद करके, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, सिर्फ सम और विषम चेक करो शून्य की संख्या क्या है की, और बता दो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। अब जिसमें हमने मेन ध्यान देना है, जो हमारे खतरे के हैं, जिसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, वो ये हैं। इसलिए हमने इसे लाल कर दिया डब्बे को, ये खतरे का निशान है। इसे एक बारी में देख के पता नहीं चल सकता कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, क्योंकि ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। अगर कोई संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में 1 4 5 6 और 9 होता है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है।
देखो, 1, 4, 5, 6 वाली संख्याएं देखो। जैसे देखो 10 ना, 10 तो 0 वाली होगी ना, ये तो 10 इधर लिख सकते हैं। इधर देखो 1, 4, 5, 6 वाली। जैसे देखो 24, 24 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे देखो 25, 5 5 25 होता है, तो 25 तो है लेकिन 5 नहीं है। समझ में आया? ये तो देखो, जो इतना इतना साइड वाली है, इतनी साइड जो है ना हमारी, यहाँ तक साइड, यहाँ तक जो पीड़ा हमने कर रखा है सारा, वो तो हमारा बिल्कुल खतरे से परे है। सिर्फ देखना है अंत में 2, 3, 7, 8 है तो नहीं है, काटा मार दो। अगर 0 है किसी संख्या के अंत में सारी, अगर सम है तो है, विषम है तो नहीं है। अब आगे हम खतरे खतरे वाले एरिया में, खतरे वाले क्षेत्र में आ जाओ। अब जहाँ पे 1, 4, 5, 6, 9 है इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 है, तो हमें देखना पड़ता है कि ये हमारी जो है पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। ठीक है? जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल देखो, इसके उदाहरण देखो। देखो देखो, जैसे 36, 256, 246 है ना, और क्या हो गया बताओ, 81, 11 है ना, और बताओ, 144, 124। तो इसके लिए अब आपको वो सारे वर्ग जो हमने किए थे ना शुरू में, वो याद करने पड़ेंगे। सारे बच्चे, सब बच्चों को याद है? अगर नहीं याद तो आज घर जाके याद करोगे। अगर नहीं याद तो घर जाके याद करोगे, है ना? कौन कौन बच्चा याद करेगा, कौन कौन बच्चा याद करेगा? सारे बच्चे करेंगे, सारे बच्चे याद करेंगे। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है सारे बच्चे करेंगे, इसलिए घर जाके याद। जो गंदे बच्चे हैं वो ही नहीं करेंगे बस। चलो देखो, सब बच्चों ने बड़े होके अच्छे अच्छे बनना है तो हम याद करेंगे। 36 का बताओ किस किस को याद है? 36 तो बहुत ही आसान है, छिकम छिकम 36 है। 256 का बताओ, कौन बताएगा 256 का? 16 सोलिए 256 है। 246 था कहीं पे? 246 था कहीं पे? कहीं भी नहीं था ना, तो नहीं है। निम्न निम्न 81 होता है, तो है। 11 का तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, तो 11 नहीं है। 12 बार ये 144 होता है, तो है। 124 का तो हमने पढ़ा ही नहीं कहीं पे, है ना। 49 का क्या होता है? 7 7 49 होता है, तो है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 39 तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। आया समझ में? आ गया? अब घर से क्या करके आओगे, ये लिखो। घर से लिख के आओगे, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, ये देख के आओगे और कारण लिख के लाओगे। पहली है 144, दूसरी है 159, तीसरी है 367, चौथी है 256, छठी है 10,000, सातवीं है 8, 9, 3, 0।